नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनबीसी न्यूज 24। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने कोरोना काल के दौर में भी कौशल प्रशिक्षण को रफ्तार दी है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर निगम के अधिकारियों से चर्चा की। डॉक्टर नीरज पवन ने बताया कि लॉकडाउन के बाद 21 सितंबर 2020 को फिर से कौशल प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक RSLDC की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करीब 14,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। वहीं वर्तमान में राज्य के 336 कौशल विकास केंद्रों पर 891 बैचों के माध्यम से करीब 25,000 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। ये आंकड़े कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज़।